कंपाउंड की बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? जो कि पेस्ट को किल करते हैं। और पेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, मिसलेनियस कंपाउंड। यहाँ पे हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड देखेंगे जो कि मोस्टली कॉमन पॉइजनिंग होती है। और ये इसमें दो तरीके से इसको क्लासीफाई किया है, अल्काइल कंपाउंड और एराइल कंपाउंड। अल्काइल कंपाउंड में HTP, TP, OMP। HTP मतलब हेक्सा इथाइल टेट्राफॉस्फेट, और TEPP मतलब टेट्रा इथाइल पायरोफॉस्फेट। उसके बाद मैंने ओक्टा मिथाइल पायरोफॉस्फेट OMPA और मेलाथियोन। एराइल कंपाउंड भी होते हैं इसके, जैसे कि पेराथियोन, क्लोराथियोन, डाइजेथियोन, पैराक्सोन। अब इसमें अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? तो आल रूट से होता है, जैसे कि स्किन, कंजक्टिवा, इनहेलेशन, ओरल, डायरेक्ट इंजेक्शन। कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे कि पेराथियोन, ये स्टोर हो जाता है और बाद में रिलीज होता रहता है सर्कुलेशन में, जिससे कि इसका लॉन्ग ड्यूरेशन रहेगा टॉक्सिसिटी का। और पेराथियोन जो है वो पहले मेटाबोलाइज होता है पैराक्सोन में, जो कि एक्टिव टॉक्सिक एजेंट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं ना, ये क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं किसको? को एस्टाइल कोलिन स्ट्रेस को, एंजाइम को। एस्टाइल कोलिन स्ट्रेस क्यों जरूरी है? हाइड्रोलाइज करने के लिए एस्टाइल कोलिन को कोलिन और एस्टिक एसिड में, जो एस्टाइल कोलिन है उसको कोलिन और एस्टिक एसिड में हाइड्रोलाइज करने के लिए एस्टाइल कोलिन स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। पर यहाँ पे क्या होगा कि एस्टाइल कोलिन स्ट्रेस क्या हो रहा है? इनहिबिट हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा? अकुमुलेशन होने लगा इसका एस्टाइल कोलिन का, जिससे क्या होगा? कंटिन्यूस स्टिमुलेशन मिलेगा लोकल रिसेप्टर को, जिससे क्या होगा? नर्व और मसल्स में पैरालिसिस देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा है कि स्टेट और कोएंजाइम ए प्लस ATP ये मिलके क्या बनाते हैं? एस्टाइल कोएंजाइम ए और ये कोलिन के साथ मिलके कोलिन स्ट्रेस एंजाइम की प्रेजेंट में एस्टाइल कोलिन और कोएंजाइम ए बना लेता है। फिर कोलिन स्ट्रेस ये एंजाइम क्या कर देगा? कोलिन और स्टेट में इसको तोड़ देगा। अब यहाँ पे ये नीचे के डायग्राम में ये इनहिबिट होता हुआ दिख रहा है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड में एस्टाइल कोलिन स्ट्रेस की इनहिबिट हो जाता है, जिसके कारण ये टूट नहीं पाता। अब फेटल लॉस कितना होता है? तो मेलाथियोन का 60 ग्राम, TEPP का 100 mg, OMPA का 175 mg, पेराथियोन का 175 mg और HTP का 350 mg फेटल लॉस है। डाइजेथियोन का 1 ग्राम, फेटल पीरियड इसका 24 घंटे। फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में हमें एक्यूट पॉइजनिंग, इंटरमीडिएट सिंड्रोम एंड वीकनेस और डिलेड डिस्टल पाइलोनेरोपैथी देखने को मिलेगी। एक्यूट पॉइजनिंग में क्या? सबसे पहले मस्कराइन इफेक्ट। मस्कराइन इफेक्ट में ब्रोंकियल ट्यूब में ब्रोंको स्पाज्म हो गया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, वीजिंग, डिस्पनोइया, पल्मोनरी एडिमा, कफ और इंक्रीज सिक्रेशन देखने को मिले। GIT में नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल में क्रैम्प आ गए और डायरिया। स्वेट ग्लैंड्स में इंक्रीज स्वेट और सलाइवरी ग्लैंड में इंक्रीज सलाइवा। लैक्रिमल ग्लैंड में क्या होगा? लैक्रिमेशन बढ़ जाएगा। और इसको एक कंडीशन होती है क्रोमोटेक्रोरिया, जिसमें क्या होता है कि रेड टीयर्स देखने को मिलेगी। तो अकुमुलेशन ऑफ पोरफायरिन जो पिगमेंट है उस अकुमुलेशन हो जाता है लैक्रिमल ग्लैंड में, जहाँ पे ये रेयरली देखने को मिलता है। आइस में क्या देखने को मिलेगा? मायोसिस, ठीक है। और मायोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि कोलिन स्ट्रेस के इनहिबिट होने के कारण ऐसा हो रहा है। और हार्ट जो है वहाँ पे स्लो पल्स और हाइपोटेंशन। यूरिनरी ब्लेडर में मिक्चुरेशन की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जैसे कि इसको कैसे याद कर सकते हैं? डंबल से, डी फॉर द डायरिया, यू फॉर द यूरिनेशन, एम फॉर द मायोसिस, डी फॉर द ब्रोंको स्पाज्म, ब्रैडीकार्डिया, ई फॉर द इमिसिस देखने को मिलेगी, वोमिटिंग, एल फॉर द लैक्रिमेशन और एस फॉर द सलाइवेशन। निकोटिनिक इफेक्ट को भी हम मेज से याद रख सकते हैं, एम फॉर द मसल वीकनेस एंड फेसिकुलेशन, ए फॉर द एड्रिनल मेडुला एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, टी से टेकिकार्डिया, सी से क्रेम्स देखने को मिलेंगे मसल्स में और एस से हाइपरटेंशन। CNS में भी इफेक्ट डालता है, वहाँ पे क्या इफेक्ट डालेगा? इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, मस्कुलर वीकनेस, कन्वल्जेंस, एप्रीहेंशन, मेंटल कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सेंसर का। फिर अदर फीचर भी है, जैसे कि मायोकार्डाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस और साथ में मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिल सकता है। काजेज ऑफ डेथ, डेथ क्यों हो रहा है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड में के कारण? क्योंकि रेस्पिरेटरी फेल्यूर, सेरिब्रल हाइपोक्सिया, हाइपरथर्मिया, हेपेटिक फेल्यूर, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, रेस्पिरेशन फेल हो गया। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट सिंड्रोम और डिलेड डिस्टल पाइलोन्यूरोपैथी। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट सिंड्रोम क्या होता है? ये न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट दैट अपीयर आफ्टर एक्यूट कोलिनर्जिक क्राइसिस बट बिफोर द एक्सपेक्टेड ऑनसेट ऑफ डिलेड न्यूरोपैथी, डिलेड न्यूरोपैथी से पहले और इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस के से हम देख लेंगे
कि इंटरमीडिएट सिंड्रोम और डिलेड पाइलोनेयुरोपैथी क्या होती है। तो टाइम ऑफ ऑनसेट 1 से 4 दिन और डिलेड पाइलोनेयुरोपैथी 2 से 3 सप्ताह बाद। साइट ऑफ वीकनेस लिम मसल्स में कौन सी इन्वॉल्व होगी, प्रोक्सिमल और डिस्टल मसल इन्वॉल्व हुई तो डिलेड पाइलोनेयुरोपैथी। नेक की मसल प्रेजेंट रहेगी वह इन्वॉल्व रहेगी और इधर अपसेंट। क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इधर अपसेंट। रेस्पिरेटरी मसल्स इंटरमीडिएट सिंड्रोम में प्रेजेंट और डिलेड पाइलोनेयुरोपैथी में अपसेंट। इलेक्ट्रोमायोग्राम यहाँ पे टिटेनिक फेट देखने को मिलेगा और डीनर्वेशन डिलेड पाइलोनेयुरोपैथी में। रिकवरी 4 से 18 दिन में हो जाएगी और उधर डिलेड पाइलोनेयुरोपैथी 6 से 12 महीने में। और यहाँ पे डायग्नोसिस तो कोलिन स्ट्रेस लेवल जो है आरबीसी में, कोलिन स्ट्रेस लेवल डिप्रेशन हो गया ठीक है, 50% ऑफ नॉर्मल इंडिकेट ऑर्गेनोफॉस्फोरस, मोर देन 50% ऑफ नॉर्मल इंडिकेट ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग देखने को मिलेगी। डिप्रेशन ऑफ प्लाज्मा कोलिनेस्टेज एक्टिविटी मोर देन 50% ऑफ नॉर्मल इंडिकेट्स ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड को पॉइजनिंग को दिखाता है। तो हमें पे आरबीसी में और ये प्लाज्मा लेवल कोलिनेस्टेज का कम हो गया ठीक है एंजाइम का। अब उसके बाद आता है अपना यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करें तो हमें डी कंटामिनेशन एंटीडोट देने पड़ेंगे, सपोर्टिव मेजरमेंट और नर्सिंग केयर स्टेबलाइजेशन ऑफ पेशेंट। डी कंटामिनेशन कैसे करेंगे तो स्किन को, ओकुलर को और इंजेक्शन को, गैस्ट्रिक लेवल कर दो इंजेक्शन लेवल पे। आँखों के लेवल पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन और टेप वाटर से धो दो उसको आँखों को। और स्किन को क्या करेंगे, वॉश करना है। एंटीडोट कैसे देने हैं, एट्रोपिन्स ठीक है, ऑक्सिम्स ये सब यूज़ किए जाते हैं। सपोर्टिव मेजरमेंट के तौर पर हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, वाइटल पैरामीटर्स हाइड्रेशन यूरिन आउटपुट ये सब मेंटेन करने के लिए। और क्या नहीं देना चाहिए तो सक्सिनो सक्सिनाइल कोलिन फॉर रैपिड इनक्यूबेशन के लिए नहीं देना चाहिए, और उधर स्टाइल कोलिन स्ट्रेस इनिबिटर नहीं देने चाहिए जैसे कि फाइसोस्टिग्मिन और एंडोर्फिन्स फिनियम नहीं देने चाहिए। ऑटोप्सी फाइंडिंग में क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस हो गया, मुंह में और नोसिस में फ्रोथ फॉर्मेशन हो रहा है, इंसेक्टिसाइड जैसी स्मेल आएगी, पीपल्स जो है कॉन्स्टिक्टेड, पल्मोनरी एडिमा, सेरिब्रल एडिमा, ऑर्गन्स सब जगह कंजेशन देखने को मिलेगा, स्टोमक में क्या इंसेक्टिसाइड लाइक स्मेल आएगी और टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस के फीचर्स भी अपन को देखने को मिलेगा ठीक है। और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो सुसाइडल पॉइजनिंग जो है कॉमन होती है ठीक है विद दिस इंसेक्टिसाइड, होमिसाइडल रेयर पर्पस में यूज़ किया जाता है ठीक है। और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग जो है में अकर इन फार्म हाउस में हो सकती है एक्सीडेंटली। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड।